घर पे ना मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। सपने में इतना रोई, ये तो बड़ी गंदी बच्ची हो रही है। किसी को नहीं बोलना, मैंने बोला बहुत गंदा बच्चा हो रहा है, सोता नहीं है, मम्मा फिर रोती है, बीमार है, अब बोल नहीं सकता ना, ठीक तो हो ही रहा है वो। बहुत छोटा है गुड्डू, मैं इसलिए यहाँ रोके जा रही हूँ। एक बच्चे की तकलीफ ना माँ ही समझ सकती है, बस मैं बोल नहीं सकती, शब्द नहीं मेरे पास, बच्चे को जाके बस संभालना है। ब्लड आने लग गया उसके कैनुला में, किसी ना किसी की नजर तो लगी है हमारे ऊपर। इस लड़के को मुझे सुलाना पड़ेगा, मेरा छोटा सा बेबी है ये। दीदी यहाँ पे बहुत सूजन आ गई है। तो आज मैं तो आ गई हूँ बाहर बैठने के लिए, क्योंकि मैं इसे देखा नहीं जा रहा है। फिर उसके पैर में ब्रेक करा, अब फिर ब्रेक करने को कह रहे हैं। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। पर हमारे घर पे ना मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है, पहले मैं काफी दिन बीमार रही हूँ, फिर मेरा जो अयान है उसको रैशेज हो गए, रूबा है उसकी आंख में चोट लग गई थी, उसको भी अभी ठीक होने में टाइम लग रहा है, अभी भी है उसकी आंख में प्रॉब्लम। अब हमारा जैद जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे ड्रिप्स चढ़ रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लूज स्टूल कर चुका है, कम से कम 30-40 टाइम्स कर चुका है। तो कल सुबह 5 बजे से वो अभी एडमिट है हॉस्पिटल में। गोलू अभी भी आई है फ्रेशन अप होके, क्योंकि सपना दीदी आ गई, सपना दीदी वहाँ पे संभाल रही है जैद को, क्योंकि जैद जो है अभी फीड नहीं ले रहा है, क्योंकि उसे फ्लू चल रहा है बॉडी में, तो फीड की जरूरत नहीं है, उसे और रस घोल के लिए बोला गया है डॉक्टर ने बोला। तो बस अभी मैं जो है बच्चों को दोनों को फीड करा के मैं भी जा रही हूँ हॉस्पिटल गोलू के साथ। तो बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे थे दोनों तीनों। तो सपना दीदी अभी आई है ना, तो सपना दीदी हमारे यहाँ पे गले में ना बच्चे को होते ही पैदा होते ही चवन्नी बनती है, मतलब 25 पैसे की ये बनती है, ये हमारे कुल देवता है इसी तरह से बनती है। तो अभी ना मैं तीनों के लिए धागा, ब्लैक धागा मंगा के गले में डाल देती हूँ, ताकि जो रात में डरते हैं, सोते सोते डरते हैं ना, वो कम हो जाए। इससे डरे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे चाकू और ये माचिस और ये काला कपड़ा ये सब रखा हुआ था। अभी बस इनको चवन्नी बांध देती हूँ, बच्चे बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि ये चवन्नी ना चीकू को भी, जब सरोज भाभी जब चीकू आता ना, तब सरोज भाभी ने चीकू के लिए भी भेजी थी, भेजी तो जैद के लिए भी थी, पर ना वो बहुत छोटा था तो उसको चुप रही थी, आपने निकाल दी थी। उसके बाद से ना वो मिली नहीं थी, कहाँ चली गई। तो अभी दोबारा से अपना दीदी से मंगाया है, अभी दोबारा से भी गोलू और मैं जा रहे हैं, तो काले धागे में बनवा देती हूँ। तन्नू ना अपनी बहन के साथ खेल रही है, उसे चुप करा रही है, रो रही थी अभी बहुत ज्यादा, तो तन्नू से चुप करा रही है, और अब चुप हो गई है बिल्कुल, अपनी बहन की पूरी बातें सुन रही है, कि बहन क्या समझा रही है इसे ना। काफी टाइम हो गया था ये, मतलब 4-5 महीने से आई थी, आपको पता है जब से लेके आए तब से एक बार भी वॉश नहीं है। तो मैंने सारे कारपेट, मंदिर का कारपेट भी निकाल लिया है, क्योंकि मंदिर में भी पूजा नहीं हो रही, जब तक हवन नहीं होगा ना मेरा तब तक पूजा भी नहीं होगी। तो मंदिर का कारपेट और ये कारपेट, बाकी घर के सारे कारपेट जो है एक बार रैकिंग होकर आ जाएंगे। और अभी मैं घर में ना नमक का पोछा लगाऊंगी, साथ में डिटॉल लगवा के। तो ये पतासे है ना, इससे सुबह मैंने धूप लगाई थी हमारी देवी को, कुल देवी को, ये जो है ना पतासे, ये भी गाय को खिलाना है, राहुल को बुलाती हूँ, ये पतासे खिलवाती हूँ। ये ना गाय को खिलाने हैं, गाय को ही देने, किसी और को नहीं देने, अभी जाओ चाहे 10-15 मिनट बाद गाय को खिला के आने, ठीक है। तो गोलू भी हॉस्पिटल से आ गई थी शावर लेने, क्योंकि कल से ना हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकल रहा है, बच्चों के टेंशन में। गोलू की आंखों से पता लग रहा होगा आपको, देखो कि सोई नहीं है और आंखें देखो कितनी मोटी हो गई है। वो तो आज पता है क्या, अपॉइंटमेंट सोचित के पापा सुबह आए थे, तो कह रहे गोलू के काम कर थोड़ी देर सो जा। जैसे ही मैंने आंख लगाई ना, 10 मिनट बाद ना मैं सपने में इतना रोई क्या, रुकी नहीं रही, कहती है आगे ऐसे से कर रही, क्या हो, मैंने कहा पता नहीं, मुझे ना इतना गंदे सपने आ रहे हैं, मतलब सपने में मैं इतना रोई यार। रुक जा, मैं तेरे को नून लाई भी बांध देती हूँ, तेरे को बंधी हुई नहीं है ना। नहीं मेरी, रुक मैं बांध देती हूँ। मैंने नून लाई का ना धागा अल्लाह के लिए बना दिया गोलू के लिए, क्योंकि जब से मेरे को ये बांधा ना सपना दीदी ने, मुझे तो सपने नहीं आ रहे हैं, पहले आ रहे थे बहुत ज्यादा। कहते ना बड़े बड़े बुढ़े लोग जो भी बोलते थे ना वो सही बात होती थी, उनकी चीजों को मानना चाहिए, जो नहीं मानता ना वो हमारी तरह पछताता है। सीधा इसको खोलो मत, ठीक है ठीक है। और जैद के पैर पे बंदा हुआ, बाकी दोनों बच्चों के घूमनी, अब किसी बच्चे को गंदा बच्चा नहीं बोलना, किसी को नहीं बोलना, मैंने बोला बहुत गंदा बच्चा हो रहा है, सोता नहीं है, अब तंग नहीं कर रहा भाई, तो मम्मा फिर रोती है कि भाई तंग क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे ना मम्मी की आवाज़ सुन के ना अयान भी उठ गया, देखो आंखें खोल रहा है, और ये देखो ये रोने लग गई, ये देख रही है ना गोलू, तू सुबह से नहीं है यहाँ पे, इसलिए रो रही है। ठीक है, मैं आपको नहीं लेके जा सकती हॉस्पिटल, वहाँ पे अच्छा नहीं होता है। दूध आ गया, पर दूध दे दे शांति, इसको भी दे दे, इस लड़की को ना मैं बोल के खिला रही पिला रही हूँ, बोल के। मैंने कहा तू अपना ध्यान रखेगी ना, तभी जो है जैद जल्दी रिकवर करेगा और जल्दी ठीक होगा वो। तो गाइस बस मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, और मैंने दूध पी लिया, दूध पीना बहुत ज्यादा जरूरी था, मेरे बॉडी में इतनी वीकनेस हो रही थी, क्योंकि खाना खा ही नहीं जा रहा था। तो बस अभी पायल बच्चों को फीड करा रही है, और चीकू के पापा सपना दीदी वहाँ पर है, फिर वो लोग आ जाएंगे, मेरे ख्याल से सपना दीदी तो मेरे साथ ही रहेंगी, चीकू के पापा आ जाएंगे तो फिर पायल मेरे पास आ जाएगी, बाकी क्या है जैद के पास फटाफट जाना पड़ेगा। उसके साथ क्या हो रहा है ना, मैं उसको फीड करा रही हूँ ना, वो पहले क्या होता था, फीड कराती थी ना बीच में उठता था, बट अभी जब से हॉस्पिटल में ना इंजेक्शन और ड्रिप्स की वजह से जैसे ही फीड कराती हूँ ना 2 घंटे के लिए सो जाता है, मतलब कि बिल्कुल भी रोता नहीं है, और
कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा था, उसको उठा उठा के डॉक्टर ने बोला हर 2 घंटे में उसको ORS का घोल और फीड दो, मुझे दवाई भी देनी है उसको, तो मैं फटाफट निकलती हूँ। तो अभी अभी वो लोग से बात हुई थी और जैद ना फोन पे बहुत ज्यादा रो रहा था, मेरे से बिल्कुल रहा नहीं जा रहा, मैं फटाफट जा रही हूँ एक बार वहाँ पे हॉस्पिटल होके आ रही हूँ। और वो लोग बोल रहे बहुत ज्यादा उसकी, मतलब जब से वो यहाँ पे आई थी तब से 10-15 बार वो मतलब लूज स्टूल कर चुका है और रो रहा है, चुप नहीं हो रहा। मैं जाती हूँ उसको चुप कराती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी गोद में आके चुप हो रहा है। बीमार है, अब बोल नहीं सकता ना, ठीक तो हो ही रहा है वो। बहुत छोटा है गुड्डू, ठीक हो तो 6-7 महीने का था, उसका मैंने झेल लिया, ये बहुत छोटा है, हो जाएगा ठीक, टेंशन क्यों ले रही है, डॉक्टर कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। हैं परेशान मत हो मेरी जान, सुन रही है ओ पागल। हाँ। तू रोएगी, तेरे को देख के फिर वो रोएगी। मैं इसलिए यहाँ रोके जा रही हूँ, वहाँ नहीं रोऊंगी, वहाँ बिल्कुल भी ना, एक भी आँख में आंसू नहीं आना। उसको भेज दूंगी, उसको थोड़ी देर आंसू ला देना, मैं वहाँ पे रुक जाऊंगी। मैं वो वहाँ भी सो रही थी अभी, मैंने बोला था सो जा, मैं जब भी तो यहाँ आऊंगा शाम, सो पाएगी वहाँ, मैं बोल रही हूँ वो नहीं सो, मैं उसको यहाँ भेज दूंगी, आप उसको सुला देना थोड़ी देर, ठीक है। कालू कालू एक काम करियो, उसने गोलू ने लेके आ जाओ, ठीक है, मैं रुक जाऊंगी वहाँ पे, सोइए थोड़ी देर। हाँ मैं तो सोई हूँ, कितनी देर, डेढ़ बजे 2-2.5 घंटे सोया। एक बच्चे की तकलीफ ना माँ ही समझ सकती है, मतलब मैंने जैसे सुना ना वो फोन पे इतनी जोर से रो रहा था, अभी तक मैंने उसको रोना नहीं सुना था, जब से मतलब हॉस्पिटल से घर तक आई थी ना मैं, मतलब 2.5 घंटे सोई हूँ मैं, मतलब 24 ये लगा लो 24 और 48 घंटे में सिर्फ 3-3.5 घंटे सोई हूँ, ठीक है। मैंने गोलू को फोन किया, वो पीछे से इतनी जोर से रो रहा था, उसका रोना मेरे को देखा नहीं गया, मैंने कहा सब छोड़ मैं जाती हूँ, बच्चे दोनों सो रहे थे, मैंने कहा इनको आप उठेंगे मैं आऊंगी जब फीड कराऊंगी, इसको सोने देना जब तक सो रहे हैं, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो मैं वहां से गोलू को घर भेजूंगी क्योंकि उसकी भी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हैं, वो भी रो रो के पागल हो रही है, वहाँ और बैठी रहेगी ना और टेंशन में रहेगी, सोएगी तो है नहीं वहाँ पे, तो मैं जाके जैद को संभालूंगी, उसको भेजूंगी घर, थोड़ी देर 2-2.5-3 घंटे सोएगी ना, फिर रात को उसको वहाँ छोड़ दूंगी, मैं आ जाऊंगी बच्चों के पास। और जब कल हम उसको हॉस्पिटल में ले गए थे ना, हम ले गए 4 बजे के करीब ही सो के उठा था, 1 बजे सोया था, 4 बजे के करीब सो के उठा था इसने, तब तक कोई मतलब लूज स्टूल नहीं किया था, वाटरी कुछ नहीं निकला था। फिर मैंने जैसे हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद भी इसने एक बार ही किया था, फिर उसके बाद ये जैसे इसको ड्रिप चढ़ी ना सो गया, तो अब जब से ये उठा ना तब से इसने 15 या 20 टाइम्स जो है वाटरी जो पॉटी की है और ब्लड भी आ रहा है उसमें, डॉक्टर्स भी देख के गए हैं, फ्लू चल रहा है, इंजेक्शन भी जा रहे हैं उसकी बॉडी में, उसके थ्रू जो कैनूला लगता है उसके थ्रू, अब बस अभी मैंने कॉल किया, इतना रो रहा था, इतना संभाला नहीं जा रहा उन लोगों से, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जाऊंगी मैं बहुत अच्छे से संभाल लूंगी उसे, क्योंकि वो एक होता है ना कि बस मैं बोल नहीं सकती, शब्द नहीं मेरे पास, बच्चे को जाके बस संभालना है। तो गाइस मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई थी और अभी बस जैद जो है फिर से उसने मेरे सामने ही अभी उसका लूज मोशन उसको हुआ है और अभी उसको गोलू ने फीड कराई, अब गोलू को भी भेज रही हूँ घर, अभी बज रहे हैं 7, वो कह रही 9 बजे आ जाऊंगी, मैंने कहा 9 बजे आने की कोई जरूरत नहीं है, 10-11 बजे आई आराम से, तब तक मैं यहाँ पे हूँ बच्चे के पास, तो उनके पास चली जाओ बच्चों के पास। और चीकू के पापा भी सुबह से सो ही नहीं है, तो उनको भी वो भी यहाँ से जब मैं यहाँ आई हूँ तो वो घर गए हैं, मैंने कहा आप चीकू को लेके सो जाओ, गोलू को भेज रही हूँ फिर वो भी आके रेस्ट कर रही है। तू जा फिर, लेट क्यों कर रही है क्या? अच्छा चलो ठीक है, तू जाना 7 बज गए, तू 10-11 बजे आराम से आ जाइयो, मैं संभाल लूंगी इसको, जाता हूँ ठीक है। और ये सारे जितने भी नैपी है ना वो मैंने भिजवा दिए आंटी को बोल के धुलवा के, अभी मशीन में ड्राई करवा लियो, ठीक है, बाकी अभी के लिए तो हो जाएंगे, अभी के लिए तो है बहुत सारे, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं मार्केट से भी ले आऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी भी गाइज मैंने ना जैद को ये वाली दवाई दी है, मदर फीड निकाल के, मतलब अपना फीड निकाल के उसमें मिक्स करके ना ये वाली दवाई दी है, डॉक्टर ने बोला था ये मदर फीड में देनी है मिक्स करके, तो दवाई दे दी है उसको, वहाँ पे रेस्ट कर रहा है, उसकी बुआ उसको जो रेस्ट करा रही है, मतलब जब भी उठता है ना उठने के बाद बहुत रोता है, तो जब तक इसको ऐसे सहलाव ना आना तो बहुत जोर से रोता है, तो अभी इसने मेरी फीड करी है और तब से अभी इसने दूसरी टाइम पॉटी करी है, मतलब जब से गोलू गई है सेकंड टाइम करी है और अभी भी ऐसा लग रहा है जोर लगा रहा है पॉटी के लिए, तो अभी जो है थर्ड टाइम वो फिर से जोर लगा रहा है, क्योंकि ना गाइस वाटरी सब मतलब पानी चल रहा है इसकी बॉडी में, तो पानी जैसा ही सब कुछ निकल रहा है, तो उसमें ना जोर लग रहा है इसका, बहुत ज्यादा जोर लग रहा है, तो फिर रो रहा है। तो अभी सिस्टर आई है, एक तो कुछ चेंज हो रहा है उसको ना, ड्रिप शायद चेंज हो रही है, वो लगेगी पहले वाली खत्म हो गई है, और साथ ही साथ उसका फीवर और पल्स रेट चेक करेंगे सब कुछ, वैसे तो सारी रिपोर्ट ठीक आई है, बस थोड़ा सा स्टमक पे इन्फेक्शन आया है, बाकी सोडियम पोटेशियम और ब्लड काउंट और ये सब बिल्कुल ठीक आई रिपोर्ट, बस एक थोड़ा सा इन्फेक्शन आया पेट में। तो यहाँ पे सिस्टर इसका फीवर चेक कर रही है, क्योंकि फीवर नहीं आना चाहिए, डॉक्टर जब कल हम 3 बार लेके आए ना हॉस्पिटल में तब भी बार बार पूछा था फीवर तो नहीं आया, लेकिन उस टाइम फीवर नहीं आया था, अभी फिर से फीवर चेक कर रहे हैं, और इससे उसका पल्स रेट या पता नहीं इससे क्या चेक करते हैं, ये जो मशीन है पल्स रेट ना, हाँ पल्स रेट इसे चेक करेंगे अभी, तो इसका रोना हो गया स्टार्ट, क्योंकि एक पैर में कैनुला लगा, एक पैर में वो मशीन लगा दिया, ऊपर वो लगा दिया,
ब्लड आने लग गया उसके कैनुला में। तो यहाँ पे आयान जो है वो बहुत तंग हो रहा है, बहुत ज्यादा तंग हो रहा है, क्योंकि इसको भी मैंने फीड कराया ना और नींद इसको आ नहीं रही है। तो जब तक पेट से वो फीड निकलेगी नहीं ना, तब तक इसको चैन नहीं आएगा। और गाइस अब ना, वैसे हमारे बड़े बूढ़े लोग सही कहते थे कि ना बच्चों को 40 दिन तक किसी से दिखाना नहीं चाहिए, उसका चेहरा रिवील नहीं करना चाहिए, तभी तो बच्चे पहले बीमार नहीं होते थे। अब क्या है ना कि नजर देखो ऐसी चीज होती है वो पत्थर को भी तोड़ देती है। फिर ये तो बच्चे हैं, देखो किसी ना किसी की नजर तो लगी है हमारे ऊपर, तभी हम लोग सब लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे परेशान होते जा रहे हैं, बीमार पड़ते जा रहे हैं। किसी चीज का डर था वो चीज ना वो हो गई है। देखो गाइस ये स्वेलिंग हो गई, इसको स्वेलिंग होने लग गई सिस्टर पैर में, मुझे लग रहा है चेंज करना पड़ेगा कैनुला। ये देखो पर वो देखो ये रेडनेस दर्द करती है फिर बाद में, मेरे हाथ पे ना अभी तक देखो दर्द कर रही है। या तो टेप कोई अच्छी सी वो पूरी कवर अप कर दो ना, आप एक काम करो ना पूरे पे पट्टी कवर कर दो ना। चल ठीक है, चल ठीक है पैर। मैं यहाँ खा के आई, रोटी खा के आई हूँ, इन्होंने सूप पी है, अभी आके खाओगे ना, जा रही हूँ ठीक है। चल ध्यान। तो गाइस बहुत ज्यादा मुश्किलों से ना जैद सोया, मतलब लगा लो 3-4 घंटे हो गए थे, 3-4 घंटे से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। जब मैं यहाँ से निकली थी ना, दीदी बता रही है तब भी वो जाग रहा था, अब जाकर सोया है। और मुझे लग रहा है बस अब ये ना 2-3 घंटे सो जाए, क्योंकि जितना सोएगा जितना इसकी बॉडी रिलैक्स होगी ना उतना इसके लूज मोशन कम होगी, क्योंकि जागता है तो लूज चूल करता रहता है। अगर सोएगा ना थोड़ा बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। तो मैंने इसको फीड दे दी अपनी और बस ये सो गया। और घर से निकलते मैंने खाना खा लिया था, लक्ष्य ने मुझे रोटी और छोले की सब्जी दी थी वो खा ली थी, रायान तूबा को भी मैं फीड करा कर आई थी। अब पायल चली गई है घर पर, क्योंकि पायल देखेगी दोनों बच्चों को और मैं देखूंगी अभी जैद को। तो गाइस ये तो पायल थी जो मैं 1-2 घंटे घर चली गई और जाकर 1-1.5 घंटा सो गई। अगर पायल नहीं होती ना तो बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि क्या है कि बच्चा बिना फीड के नहीं रह सकता। मैं टेंशन फ्री थी कि हाँ मैं घर चली जाती हूँ, पायल भी टेंशन फ्री थी कि अगर गोलू घर गई दोनों बच्चे रोए तो गोलू देख लेगी। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि हम दोनों ना बच्चों को संभाल लेते हैं। गाइस यहाँ पे ना मेरा दलिया भी आ गया है और दलिया मैं घर से लेकर आई हूँ, अगर भूख लगेगी ना दलिया खा लूंगी। तो यहाँ पे जैद भी उठ गया है और जैद जो है ना जैद उठ गया है, सिर्फ पांच मिनट। इस लड़के को मुझे सुलाना पड़ेगा, इसकी नींद बड़ी कच्ची है, चाहती हूँ सो जाए पर ये दीदी सोता नहीं है। लाइट बंद कर दूंगी, हाँ पर्दे वर्दे लगा दूंगी, तुम आराम से। तो इसको ना मैंने ऐसे ना चद्दर डाली हुई कॉटन की, क्योंकि क्या है इसका कैनुला है ना उसमें दिक्कत ना, इसलिए मैंने इसको कॉटन की चद्दर डाली है ताकि अटकाए ना किसी चीज को। मेरा छोटा सा बेबी है ये, आप खाना छोटा बेबी। तो ये वाली जो मेडिसिन है ना मैं जैद को दे चुकी हूँ, ZND, तो एक और मेडिसिन है गाइस जो देनी है मुझे, वो मेडिसिन देनी है 11:30 बजे के करीब। तो वो मेडिसिन भी ना फ्रिज से निकाल के 1/2 घंटा पहले रखनी है। अभी खाना खा के ना रख लेती हूँ मेडिसिन, ताकि थोड़ी नॉर्मल हो जाए ना फिर ये उठेगा तब इसको देती हूँ। तो गाइस पिछले ना 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं मैं और दीदी कि जैद को सुला दे बट सो ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों बार बार रो रहा है। जैसे ही फीड लेता है उसी वक्त टॉयलेट और लूज चूल कर रहा है। अभी भी इसने मतलब कि मेरे आने में 1 घंटा हुआ है और नीचे 3-4 लंगोट पड़े हैं, 3-4 बार लूज चूल कर चुका है। डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि इसको हम दवाई नहीं दे सकते, अगर दवाई देंगे तो वो सीधा इसके टमी पे इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे सपना दीदी इसको लेके बैठी हुई है, सुलाने की कोशिश कर रही है, मैंने भी कोशिश करी है, इसे सो नहीं रहा। देखती हूँ कब सोता है, चीकू के पापा भी कह रहे हैं मैं बस आ रहा हूँ 1/2 घंटे में, घर गए थे किसी काम से 1 घंटे पहले गए थे, फिर अभी वो दोबारा आ रहे हैं। देखिए इधर से कितना सूबर है। हाँ दीदी यहाँ पे बहुत सूजन आ गई है पूरी, ये देखो ना ये सारी सूजन आ गई अभी आई है। तो गाइस मैं तो आ गई हूँ बाहर बैठने के लिए, क्योंकि इसे देखा नहीं जा रहा, जैद को बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। उसके ना पूरे पैर में सूजन आ गई और नर्स बोल रही है कि दूसरी साइड प्रिक करना पड़ेगा। और यही सोच के ना मैं, क्योंकि मुझे पता है ना प्रिक करने में इतना दर्द होता है, वो तो छोटा सा बच्चा है, कल उसके हाथ में प्रिक करा, फिर उसके पैर में प्रिक करा, अब फिर प्रिक करने को कह रहे हैं, मैं इसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा। मुझे अंदर वो रो रहा है, मैं दीदी को बोला कि बाहर चली जाती हूँ कि मैं नहीं देख सकती ना उसको रोते हुए बेटी। तो आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार बाय बाय।